तीन रिएक्शंस बचे जो आप सभी लोगों के केमिस्ट्री के एग्जाम में डेफिनेट पूछे जाने वाले हैं, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका इटार रिएक्शन, ऑलमोस्ट हर साल ये पेपर में पूछा जाता है। इटार रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ योर टोलिन टू बेंजाल्डिहाइड यूजिंग द रिएजेंट CrO2Cl2। इसके बाद अगला रिएक्शन है अमाइन चैप्टर से, दैट इज अ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें हम लोग बनाते हैं प्राइमरी अमाइन, राइट। जो प्राइमरी अमाइन के सिंथेसिस के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे ये एल्काइल हैलाइड आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। आगे बढ़े तो आपका थर्ड रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हर बार ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। यहां पे एक अमाइड का कन्वर्जन किया जाता है अमाइन में, जिसमें याद रखना एक कार्बन आपका कम मिलता है। तो आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है, अगर आपने इस वाले अमाइड के ऊपर ये रिएजेंट डाला तो हमें क्या आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा।